हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने, जिसको मैंने रात भर भिगो के रखा था। अब सुबह उसको बॉईल किया है, उसके बाद जो है अब मैं बनाने जा रही हूँ, उसका तड़का लगाने जा रही हूँ उसको। जिसके लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई, उसमें लिया है सरसों का तेल, उसमें डाल दिया है और उसमें मैंने डाल दिया जीरा, तेज पत्ता और कड़ी पत्ता, और डाल दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज। इस प्याज को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छे सरंध से इसको चला के हम भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे हम इसमें जो हरी मिर्ची, कुछ बारीक काट ली है मैंने और कुछ जो है साबुत लंबी काट ली है। इसको भी हम अच्छे तरह से इसमें भून लेंगे प्याज के साथ। प्याज को मैं हल्का ब्राउन करूंगी, क्योंकि इसको जलाना नहीं चाहिए, जलाने से इसके सारे जो है न्यूट्रिशन वो ख़त्म हो जाते हैं। अब मैंने डाल दिया है इसके अंदर कटा हुआ, रफली कटा हुआ जो मैंने डाल दिया है टमाटर, ज़्यादा बारीक नहीं काटा है। ये अच्छी तरह से भुन जाएगा और फिर अपने आप ही अंदर जो है मैश हो जाएगा इसके अंदर। अब इसमें डाल देंगे हम जो है हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर के बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, बड़ा एक चम्मच लगा लीजिए आप, मैंने दो बार डाला है, हाफ हाफ चम्मच धनिया पाउडर के बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो भुना हुआ जीरा, इसको हिला लेंगे अच्छे से, मिक्स कर दिया है, मैश कर देंगे प्याज और टमाटर जो भी ये मसाले डाले हैं उनके साथ। अब पहले मैंने हरी मिर्ची भी डाली थी, मैंने हाफ चम्मच जो है ये रेड चिली डाल दी है, लाल मिर्च, अब मैंने डाल दिया ये है जो है गर्म मसाला, अब मैं इसमें डालूंगी जो होममेड चना मसाला है वो डाल दिया है मैंने हाफ चम्मच। इसको अच्छी तरह से भून लेना है इस मसाले के साथ। इन मसालों का बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है अच्छे से भूनने के बाद। अब जिसमें मैंने चने उबाले थे वो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसके साथ अच्छे से इसको भून लेंगे। मैं रस्मी से जैसे बोलते हैं पंजाबी में, रस्मी से थोड़ा सा लिक्विड वाले जो है चने वो बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने जो है इसमें नमक डाल दिया है, क्योंकि जब चने उबाले थे उसमें भी डाला था नमक, इसलिए ध्यान से डालिए आप, जितना चाहिए हो चख के डालिए। अब जो है मैं इसमें मिला रही हूँ उबले हुए चने, ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लीजिए, मसालों में अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। अब थोड़े से इसमें पकेंगे तो अच्छे से जो मसाले हैं वो चने में मिक्स हो जाएंगे और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आएगा। थोड़ी सी इसकी तरी बनाने के लिए जो मैंने इसकी जिसमें उबाले थे चने वही वाला मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है, इसमें से कच्चा पानी ऊपर से नहीं डाला है मैंने, इसमें बॉईल किए थे ना चने वही वाला पानी इसमें मैंने ऐड किया है। वो आप जितनी भी तरी बनाना चाहो उतनी आप पानी डाल सकते हो।
चने बनके तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।